नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले के कोस्टा क्षेत्र में कचरा डंपिंग नहीं होने के कारण लोगों में काफी आक्रोश है और जन आंदोलन चल रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि कचरा डंपिंग की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हवा और पानी प्रदूषित हो गए हैं, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ के निवासियों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कल आंदोलन के सिलसिले में जिला प्रशासन अधिकारी कलेक्टर श्री बसंत कुर्रे लोगों से मिलने आए और लोगों की समस्याओं को समाधान करने की भी बात कही, लेकिन दोपहर में नगर निगम के कमिश्नर और रायपुर थाना के प्रभारी की उपस्थित में लोगों की समस्या को जाना गया और समाधान करने का आश्वासन करने के साथ ही दोबारा आंदोलन ना करने की धमकी भी दी गई। साथ ही साथ सारा आंदोलन का सामान अपने साथ ट्रक में भर करके ले गए और नगर निगम के द्वारा लोगों के साथ जिस तरह से जबरदस्ती की जा रही है, उससे एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि लोगों की समस्याओं का समाधान ना करके अपना तानाशाही रवैया अपनाना कहां तक सही कहा जा सकता है। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। लक्षण नहीं डाला ना है, वो सब आलू वाला है, लाख पैसा ना बनावट कैसे पकड़ ऐसे पकड़े रहे तो होगा। कहाँ नाम का मर ही पैसा मर दे देखा दे जब मनाई को मरी होता है। उमेश चाचा कहाँ आ गए? द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।